फ्रेंड्स, तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और यहाँ पर सभी लोग आजकल हरी हरी चूड़ियाँ और हरा हरा नेल पेंट लगा रहे हैं, तो मैंने लगा क्यों ना मैं भी लगा लूँ। तो बस शाम का समय, शाम से ब्लॉग का स्टार्ट हुआ है और यहाँ पर मैं आई थी, मुझे जाने की तैयारी हो गई थी, जो कि मैं कल का ही ब्लॉग में बताया मैंने। तो टिकट हो गया है बट इमरजेंसी में मुझे कैंसिल करवानी पड़ी है। तो यहाँ पर आई थी मेडिसिन यानी दवाइयाँ लेने, और बताऊँगी क्यों मुझे टिकट कैंसिल करवानी पड़ी। और यहाँ पर ये देखिए शाम का व्यू है यहाँ पर रूट के पास का, और आप देख सकते हो ये यानी जो दवाई मेडिकल का दुकान था उसके सामने का है यहाँ पर। तो मैंने बोला चलो आप लोगों को भी दिखा देते हैं। और यहाँ पर हमारे पापा शाम का ही था, वहाँ से लौट के आ गए थे, तो पापा जा रहे थे हमारे यानी मार्केट साइड, और यहाँ पर ही बिल्ली को खिला रहे थे, तो मैंने धीरे से कैप्चर कर लिया। तो पापा बिल्कुल बच्चों की तरह इसको खिलाते हैं। पापा की सबसे लाडली ये बिल्ली है, बहुत प्यार करते हैं पापा बिल्ली को। और ये जब पापा जाते हैं हेलो फ्रेंड चली जाती है। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ, और क्यों हूँ तो बताऊँगी थोड़ी देर से। आप देख सकते हो ये मेरी सिस्टर यहाँ पर लेटी हुई है। तो मैं फिर से मौसी बन गई हूँ और बताऊँगी क्या हुआ है। अभी थोड़ा सा टाइम मिला इसलिए मैंने शूट कर लिया, और आप लोगों से मैंने बोला चलो बातें कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर से आप लोगों को मिलती हूँ। तब तक के लिए छोटा वाला बाय। फ्रेंड्स, तो सुबह से अभी टाइम मिला आप लोगों से बात करने के लिए, और अभी मैं हॉस्पिटल में हूँ। बहुत क्रिटिकल कंडीशन हो गई है बच्ची की, बताना सही है कि नहीं मुझे नहीं पता, पर आप लोगों से मैं शेयर कर रही हूँ। उस हॉस्पिटल से मुझे बच्ची को दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया है। बच्ची को सांस लेने में प्रॉब्लम जा रही है, तो वेंटिलेटर में रखा जाएगा। और मेरी वॉइस कम आ रही होगी तो प्लीज़ मैं मत करना, थोड़ा सा मैं थक गई हूँ। आप लोग कंडीशन देख के समझ रहे होगे मेरी। तो जो भी कुछ होगा मैं आप लोगों को बताऊंगी, और अभी के लिए बस इतना ही। बहुत ज़्यादा सर में पेन हो रहा है मेरे, और आज मेरा कोई ब्लॉग भी नहीं गया, टाइम ही नहीं मिला कुछ भी शूट करने का। तो छोटी सी गुड़िया को यहाँ पर एडमिट करवाया गया है, जो कि वहाँ पर आप लोगों को पता है कंडीशन सांस लेने में प्रॉब्लम जा रही थी, तो बहुत क्रिटिकल। तो यही हॉस्पिटल में जो अभी आप लोगों से बात की है, तो एम्बुलेंस के उसमें आई ऑक्सीजन के यानी ऑक्सीजन लगाकर। यहाँ पर अभी शाम का 9 बज रहा है, पूरी रात जागना है क्योंकि बच्ची अभी यानी हमको छूने तो मिल नहीं रहा है, पर वो बहुत रोए जा रही है, बहुत रोए जा रही है। तो मुझसे जितना बना शूट करते मैंने शूट किया है, और हो सकता है तो दिखाऊंगी थोड़ी देर के लिए बच्ची को आप लोगों को, आप लोग देख लीजिएगा। और ये देखिए यहाँ पर भी एक ऑफिस था जो कि यहाँ पर पहले एडमिट हुई थी, और यहाँ रात का 3:30 बज रहा था, और करीब वो ना 7 बजे से रोए पड़ी। और क्योंकि वो अपनी मम्मी को याद कर रही थी, और उसकी यानी जो मम्मी थी उसको पता ही नहीं था कि वो एडमिट दूसरे हॉस्पिटल में। उनको बस यही पता था कि वो नीचे यानी क्योंकि वो जहाँ एडमिट है वो सेकंड यानी मंजिल थी, वहाँ पर एडमिट है, और ही गुड़िया को नर्सरी में रखा हुआ था। तो उसको बस यही लग रहा था यानी सिस्टर को यही लग रहा था कि वो नीचे नर्सरी में है। तो हम लोगों ने नहीं बताया था क्योंकि वो टेंशन ले लेती, बहुत दूर में हो गई थी ये गुड़िया। तो हम लोगों ने इसको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया, और अभी थोड़ा मुझे लेने के लिए मिला क्योंकि बहुत ज़्यादा रो रही थी, इसलिए मैंने सैनिटाइज़र किया, थोड़ा सा अपने हैंड वॉश किए, फिर सैनिटाइज़र करके उसके बाद मैंने लिया उसको, और फिर जाके ये चुप हुई है। तो मैंने बोला चलो अब शूट कर लेते हैं, थोड़ा सा टाइम मिला था, जबकि पूरी रात 3:30 पूरी रात जागना पड़ा।
तो फ्रेंड्स आप लोग कैसे हैं, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और अभी इवनिंग का समय हो रहा है और मैं फिर से आ गई हूँ हॉस्पिटल बच्ची के पास, क्योंकि आप लोगों को बताया नहीं था बच्ची हुई है कल 11 बजे और उसका थोड़ा सा क्रिटिकल कंडीशन यानी थोड़ा सा सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, तो वेंटिलेटर में रखा जा रहा था। और जो हॉस्पिटल में डिलीवरी हुई है तो वो था गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पर वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी, इसलिए हम लोगों ने बच्ची को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कराया और जब जाके उसका जो भी ट्रीटमेंट है वो चालू हो गया। अब बच्ची ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों को टेंशन नहीं बता रही थी कल का वीडियो पर। मैंने बहुत लोग पूछ रहे थे कि आपका जो टेंशन था वो आपने शेयर नहीं किया, तो मैं आज के ब्लॉग में आप लोगों को बता दे रही हूँ। बस बच्ची तो ठीक है और अभी शाम का समय है तो फिर रात में मुझे देखना पड़ेगा। और अभी मम्मी लोग थी तो वो चली गई हैं घर, और अभी सिस्टर आ रही हैं, एक और है हमारी, तो वो रुकेंगी हमारे साथ। और ये वीडियो कल आएगा और आज है संडे जो कि मैं शूट कर रही हूँ, तो अभी दो दिन का वीडियो यानी बनाकर मैं आप लोगों को भिजवा रही हूँ उन्हें देखने के लिए, क्योंकि हो नहीं पा रहा है, टाइम नहीं मिल पा रहा है। और बच्चे भी घर में अकेले हैं तो बच्चों के साथ है मम्मी और पापा हैं, भाई हैं, तो बच्चों को मम्मी संभाल रही है, मैं यानी बेटी के पास हूँ और सविता यानी जो मेरी सिस्टर है उनके पास उनकी सासू माँ है। तो बस ये दो हॉस्पिटल के चक्कर, वैसे मैं तो कल से नहीं गई हूँ वहाँ पर सविता के पास, मैं बच्ची के पास थी और घर में पूरी रात नहीं मैं सोई थी क्योंकि बच्ची बहुत रो रही थी, तो उसको गोदी में लेकर थोड़ा सा देखना पड़ रहा था, उसको चुप कराना पड़ रहा था और मम्मी नहीं अपनी माँ को याद कर रही है, तो आप लोग सिचुएशन को समझ सकते हो। से यही है, यही तो अभी थोड़ा सा टेंशन हो रहा है और भी बहुत सारी टेंशनें हैं जो कि मैं आप लोगों से कुछ शेयर नहीं कर पा रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग समझिएगा। आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना कि वीडियो कैसा लगा। पर आप लोग ये सोच रहे होंगे कि कल के ब्लॉग में बोल रही थी आज मेरी मायके जाने की तैयारी, तो मायके जाने की बिल्कुल पूरी तैयारी हो चुकी थी और मेरा टिकट भी हो गया था यानी रिजर्वेशन हो चुका था, पर मुझे कैंसिल करवाना पड़ा क्योंकि उस समय मेरी मम्मी की तबीयत बिगड़ गई थी। जिस दिन का वो कल का ब्लॉग था वो यानी दो दिन का वीडियो मैं एक दिन में डाल रही थी, दो दिन का शूट करके, तो मुझे अचानक फिर मुझे टिकट कैंसिल करवाना पड़ा, मम्मी का तबीयत ख़राब हो गया और उसी समय सरिता को भी पैन होने लगा तो वो भी एडमिट हो गई, तो मुझे ये नहीं पता था कि मुझे इतने दिनों के लिए रुकना पड़ेगा। पर क्या कर सकते हैं, ऐसा सिचुएशन ही ऐसी हो गई कि मैं मजबूर थी और कुछ नहीं कह सकती और, तो आप लोग समझ सकते हो। तो आई होप आप लोगों को मेरा आज का वीडियो अच्छा लगेगा, तो प्लीज़ कमेंट्स में बताना कैसा लगा और मेरे साथ बस ऐसे ही बने रहें क्योंकि मेरे वीडियो का टाइम टेबल बिगड़ चुका है, तो इतने आप लोग मुझसे जो भी कनेक्टेड थे वो सारे दूर हो चुके हैं मुझसे, तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करिए। इतनी क्रिटिकल कंडीशन यानी मैं इतनी बिल्कुल व्यस्त होने के कारण फिर भी ब्लॉग को शूट कर रही हूँ, वीडियो आप लोगों के लिए तैयार कर रही हूँ, तो प्लीज़ आप लोग समझिए उस बात को और मेरे साथ ऐसे ही बने रहें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।